हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 7 बजे है और हम गार्डन में आ गए हैं योगा करने के लिए टेरेस पे। तो आज हमने सोचा, अभी तो मुझे पार्लर का भी काम दिखाना है आपको, पर इस प्लांट को छोटे से पॉट में बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं गुड़हल के प्लांट को, तो मुझे लगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपका भी मूड फ्रेश हो जाए फूलों को देख के। करीब करीब 11 से 12 फ्लावर्स है ये छोटे से प्लांट में। और अभी हम गार्डन की सफाई कर रहे हैं हस्बैंड जी, और बहुत सारे और प्लांट लगाने हैं, तो थोड़ा सा ये दिखाया है। हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स एंड ऑल माय सब्सक्राइबर फैमिली, थैंक यू फ्रेंड्स। अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लिंजिंग मसाज, जो सावली स्किन के लिए है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए। तो अभी मैं पार्लर में आ गई हूँ और कस्टमर आए थे सुबह के, अभी 11 बजे है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इनको सिर्फ क्लिंजर करना था फेस का मसाज। इनकी थोड़ी डार्क स्किन है, दिख नहीं रही है कैमरे में, पर है थोड़ी डार्क है, तो आज डार्क स्किन के लिए मसाज है। ये थोड़ा फेयरनेस वाला मसाज कर रही हूँ मैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप मसाज है। इन्होंने पार्लर का गाउन नहीं पहना है, अभी कोरोना से बहुत सारे कस्टमर पार्लर का गाउन ही नहीं पहनते, तो मैं इसे नोज की मसाज कर रही हूँ। पूरी स्टेप बाय स्टेप मसाज है आज। बहुत दिनों के बाद हमने मसाज का वीडियो शेयर नहीं किया है आपके साथ, तो अभी कर रहे हैं। तो मसाज करने से स्किन टाइट रहती है और झुर्रियाँ कम आती है, तो इसलिए कस्टमर मसाज करते हैं। महीने में एक बार कोई कोई करता है, अभी हमने क्लिंजर किया है सिर्फ, और मैं क्लिंजर अच्छे से कर लेती हूँ ताकि क्लिंजर के बाद अच्छे से मसाज हो जाए। क्लिंजर एकदम डीप करना पड़ता है, तभी स्किन की सभी धूल मिट्टी निकल जाती है। और यहाँ पे हम क्रीम लगा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही क्रीम लगाते हैं हम, एकदम कम कम लगा के कैसे भी मसाज नहीं करके देते हैं, क्योंकि अच्छे से लगाएंगे तो रिज़ल्ट आता है, कम कम लगाओ तो क्रीम अच्छे से रिज़ल्ट नहीं आता। और क्लाइंट को सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए तभी दोबारा कस्टमर पार्लर में आते हैं, नहीं तो हमारे बोलने से नहीं आते। पता नहीं फ्रेंड्स, हमारा स्टैंड ख़राब हो चुका है, तो इसलिए स्टैंड पर बराबर सेट नहीं हुआ है, मोबाइल गिर जाता है तो मेरा फेस नहीं आ रहा है, पर आपको मसाज पूरी समझ में आ जाएगी। देखते देखते ही वीडियो आप पूरा पार्लर का कोर्स अच्छे से सीख जाओगे। फ्रेंड्स, कभी कभी मैं खुद पे वीडियो बनाती हूँ, वो इसलिए कि ज़्यादा कस्टमर थ्रेडिंग के रहते हैं और रोज़ रोज़ थ्रेडिंग अपलोड करो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो 2-3 भी आए तो थ्रेडिंग के रहते हैं, तो मैं कभी कभी आपको मेरे ऊपर कुछ नया सिखाती हूँ, तो पता नहीं क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आते वो वीडियो, तो वो भी वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट हो सके। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने का होता ही होता है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप हमने ये 20 मिनट तक मसाज की है, थोड़े से डार्क स्किन है इनकी, तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और 20 मिनट तक मसाज की है, पर हमने वीडियो 9 से 10 मिनट का ही बनाया है, शायद 9 मिनट का,
क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो कोई दिखता नहीं, तो पूरा का पूरा हम तो दिखाते भी नहीं। तो ऐसे आइज की मवाज की मसाज लेने से आइज की झुर्रियाँ चली जाती है और स्किन पर एकदम टाइटनेस आ जाता है। तो जब भी मसाज करो तो नीचे से ऊपर तक करो, उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और देखो फ्रेंड्स, मसाज करते करते ही स्किन पर ग्लो आ रहा है, क्योंकि मसाज स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई कोई क्लाइंट मंथली फेशियल नहीं करता, तो आप उन क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप मंथली मसाज करो, क्योंकि मंथली मसाज करने से स्किन टाइट रहता है और झुर्रियाँ नहीं आती, वो हमेशा बोलती हूँ आपको, और स्किन में चमक रहती है। तो इसलिए मंथली मसाज या फेशियल तो करना ही पड़ता है 35 के बाद। और जो क्लाइंट करते हैं तो उनका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। ये अंगूठी इनके चेहरे पर उत रही थी तो हमने निकाल ली है और अभी स्टेप बाय स्टेप मसाज ले रहे हैं। स्टेप नंबर 1, थोड़े से ही स्टेप बताती हूँ मैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फर्स्ट में लिए है थोड़े, 13 ऐसे कुछ मसाज के स्टेप है, 14। तो अभी मैं समय देख रही हूँ, 15 मिनट हो गए क्या, क्योंकि 15 मिनट के ही ये मसाज है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है 15 मिनट में भी। आइस के पास की मैं ज़्यादा से ज़्यादा मसाज लेती हूँ ताकि आइस के पास की झुर्रियाँ चली जाए। और फ्रेंड्स, 15 साल हो गए हैं पार्लर के लिए, इसलिए हाथ भी ऐसे मशीन जैसे चलते हैं। तो हमारा चेहरा नहीं आया है, आधा ही आया है शूटिंग में, उसके लिए सॉरी, पर क्या करें, कैमरा गिर ही रहा है स्टैंड से, इसलिए ऐसा रखा है। तो आज हम थोड़ा सा तैयार होके हैं पार्लर में, नहीं तो वैसे ही कैमरे में आ जाते हैं। वक्त की कमी की वजह से वैसा करना पड़ता है, और हम हर रोज़ तो तैयार होके ही नहीं बैठ सकते फ्रेंड्स। बहुत सारे काम रहते हैं घर के, पार्लर के, और वीडियो के एडिटिंग, और मेरा टेरेस पे गार्डन है उसकी देखभाल। तो इस तरह से कुछ आज का वीडियो है। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे चैनल ग्रो हो रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इतनी हम मेहनत लेते हैं तो आपके सपोर्ट के बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो ये ऐसी गाल के ऊपर की मसाज लेती हूँ उससे एक्स्ट्रा चर्बी झड़ जाती है गाल की, बहुत ही सुंदर चेहरे को आकार आ जाता है। तो इस तरह से आज का है मसाज का फेशियल है, थोड़ी लाइट डार्क स्किन के लिए। तो ऐसा हमने आज स्टेप बाय स्टेप मसाज किया है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाय एंड टेक केयर।